हेलो बच्चों, आप लोग ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? आपको पढ़ाई अच्छी लग रही होगी और आप अपना काम पूरा कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जाना। उसके बाद में हमने शैल जानी कि शैल हम किसे कहते हैं और वो कितने तरह की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं और उन शैलों की क्या विशेषताएं होती हैं। कल हमने शैल का लास्ट प्रकार पढ़ा, जिसमें हमने रूपांतरित शैल पढ़ा था और मैंने आपको उसकी विशेषताएं बताई थी। रूपांतरित शैलों की विशेषताएं क्या थी, उनको हम कायांतरित शैल भी कहते थे। और वो जो शैल थी वो दाब और ताप के कारण बनती थी। रूपांतरित शैल बिना टूटे यानी कि बिना विघटित हुए अपना रूप बदल लेती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने इनके बारे में और जाना था। ये चट्टानें बहुत अधिक कठोर होती हैं, जिससे कि ये आसानी से और जल्दी नहीं टूटती थी। ठीक है, और इनमें जो हमको मूल्यवान चीज़ें मिलती हैं उनमें मुख्य रूप से था हमारा संगमरमर, जिसका कि आपका ताजमहल बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है और आपके अजूबों में से एक है। उसके बाद हमको इनमें हीरा, नीलम, माणिक जैसे बहुत महत्वपूर्ण रत्न मिलते हैं। ये हमारी शैल हैं। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपने सारे नोट्स तैयार कर लिए होंगे मेरे साथ, और अगर नहीं भी किए हैं तो फिर से कह रही हूँ बच्चों, इनको आप अपनी कॉपी पर एक जगह नोट कर लीजिएगा और जितने डायग्राम मैंने बीच बीच में बनाए हैं उनको अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपको काम आएंगे। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लिखेंगे और उनको कॉपी पर करेंगे। मैं यहाँ प्रश्न लिख रही हूँ, उनके उत्तर ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके अंदर ही हैं। सबके प्रश्न, सबके उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप अपने प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। सारा चीज़ आपके पास में है, मैंने लिखा, आपको लिखाया है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी समस्या का निवारण हो। आपको इंटरलीफ कॉपी पे लिखना है, अगर कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी पर लिख लीजिए, और अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो लास्ट ईयर की कॉपी बची हो या फिर कोई ऐसी कॉपी जिसको आप संभाल के अपने पास रख सकते हैं, उस पर सारा काम नोट कर लीजिए। अच्छा यही होगा कि अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो आप सारा काम फेयर कॉपी पर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को लिखना। आप नोट कर लीजिए अपने पास और इसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं, इन्हें इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपनी कॉपी पर करेंगे। व्हाट आर रॉक्स, डिस्क्राइब इन डिटेल। सेकंड,
ये प्रश्न हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इनको कर सकते हैं। ये मैं पढ़ के बता दूँ, वॉट आर रॉक्स डिस्क्राइब इन डिटेल्स, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेड, वॉट इज इग्नेस रॉक, वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉक, ड्रॉ रॉक साइकिल, डिफरेंट बिटवीन इग्नेस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम ये क्वेश्चन लिखेंगे, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? नेक्स्ट, अग्निशैल के बारे में बताते हुए उसकी विशेषताएं भी लिखिए, उसकी विशेषताएं भी लिखिए। नेक्स्ट, परतदार शैलों की विशेषताएं बताते हुए परतदार शैलों का चित्र बनाइए। परतदार शैल का चित्र बनाइए। नेक्स्ट, हिमालय तथा ताजमहल किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? नेक्स्ट, पृथ्वी अभी तक
अंदर से कैसी है? नेक्स्ट, पृथ्वी के अधः स्तर में यानी अंदर कितनी परतें हैं? नेक्स्ट, शेल किसे कहते हैं? शेल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? नेक्स्ट, रूपांतरित शैल कैसे बनती हैं? रूपांतरित शैल कैसे बनती हैं? नेक्स्ट, मूल्यवान हीरा और माणिक जैसे रत्न किन चट्टानों में मिलते हैं? नेक्स्ट, परतदार शैलें और आग्नेय शैलें शैलों का रूपांतरण किन शैलों में होता है?
नेक्स्ट ईंट कैसे बनाई जाती है, ईंट कैसे बनाई जाती है, लिखिए। नेक्स्ट शैल चक्र को बनाइए, शैल चक्र को बनाइए, नेक्स्ट वनस्पतियों के एकत्रीकरण एकत्रीकरण तथा जीवाश्मों के अवशेष जीवाश्मों के अवशेष से किस चट्टान का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, आज के लिए बच्चों इतना लिखिएगा, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।